मेरी कामनाओं की पतंग उड़ान भरने को आतुर थी। बारिश बहुत तेज हो रही है ना। चल चलते हैं, कुछ एक एक पैक हो जाए। नहीं यार, तू जा, मैं आता हूँ। अरे चलना यार, मैं आता हूँ, कुछ काम है। सुमय ने उसे टाल दिया, वो रेनू के पास चला गया। भाभी खाने में क्या क्या बनाया है? मटन बनाया है, रोटी बनानी बाकी है। तो रोटी मैं सेंक देता हूँ। चलो आ। महेश ने जिस अंदाज से रेनू को छुआ था, मुझे एहसास हो गया था कि कामनाओं की बारिश से वो भी पीड़ित था। जैसे ही उसने यौवन रस को चखा, उसकी प्यास और ज्यादा भड़क गई। ऐसे नहीं जिसे वो गूंदने को आतुर हो रहा था। क्या आटा है? इसे खोल लो बस। रेनु उसके इरादे भाप गई थी, लेकिन वो अपनी कामना पर काबू पाने की कोशिश कर रही थी, इस डर से कि कहीं कोई आ ना जाए। लेकिन महेश के हाथ बेकाबू घोड़े की तरह मुलायम रेत के टीलों पर अनियंत्रित दौड़ रहे थे, और आखिरकार रेनू की कामना के आगे उसका डर हार गया। अब वो भी महेश का भरपूर साथ दे रही थी। और किचन के अंदर चल रहे तूफान की आवाजों ने मेरे अंदर के तूफान को और भड़का दिया था। और उस तूफान में अचानक यौवन की एक मूर्ति मेरे सामने आकर खड़ी हो गई। ये मूर्ति और कोई नहीं, सविता भाभी थी। बारिश में भीगे उसके बदन के उतार चढ़ाव देखकर लगता था जैसे संगे मरमर से बने दो गुंबद बारिश में भीगकर और ज्यादा खिल उठे हों। जैसे ही उसने मुझे छुआ, मेरी कामनाओं की चिमनियों से धुआं निकलने लगा। किचन के अंदर का तूफान पूरे उफान पर था। और अब एक तूफान यहां भी भड़क चुका था। और तूफान शांत हुआ तो बारिश की कुछ बूंदों की टप टप की आवाजें आ रही थी। जानने के लिए अगर आपने अभी तक अपने पापा, चाचा, ताऊ से संपर्क नहीं किया तो कब करेंगे?